हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस चाइनीज़ स्टाइल गोभी मंचूरियन रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत ही कम समय में हम यहाँ पे यम्मी डिलीशियस डिश बना के रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो और भी मेरी ऐसी रेसिपी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं गोभी मंचूरियन कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीर चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीर। तो चलिए आज कुछ नया बनाते हैं। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा फूल लिया है, जिसे मैंने छोटे पीसों में कट कर लिया है। फूलों को हमें ज़्यादा बड़े नहीं कट करना है, छोटे पीसों में ही कट करना है। अगर बड़े हैं तो उनको हाफ कर लीजिएगा, और डंठल को भी हमें ज़्यादा लंबे नहीं रखना है। गोभी को कट करने के बाद भी इसे अच्छे से गर्म पानी में धो लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गोभी के फूलों को बॉईल कर लेते हैं, जो कि जब हम इसे डीप फ्राई करते हैं तो उस समय पर ओवर कुक हो जाता है, जिसके कारण मंचूरियन का टेस्ट है ना उतना अच्छा नहीं लगता है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बॉईल करना, तो मैंने यहाँ पर बॉईल नहीं किया है। तो चलिए यहाँ पे सभी चीज़ें हम डाल देते हैं। तो आधा छोटी चम्मच मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसका जो फ्लेवर है मंचूरियन में बहुत ही बढ़िया आता है। चलिए यहाँ पे नमक ऐड कर देते हैं। तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आधा छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि नमक मिर्च और जो काली मिर्च में हर एक गोभी के फूलों में अच्छे से कोट हो जाए, तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया आएगा। तो इसको कोट करने के लिए मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर की क्वान्टिटी आप यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून लिया हुआ है। इसी के साथ इसमें डालेंगे चावल का आटा, 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इससे अच्छी क्रिस्पीनेस आएगी। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा की क्वांटिटी आप 2 से 3 टेबल स्पून के करीब डाल सकते हैं। जिस तरह से हम जब इसे मिक्स करेंगे तो उस समय पे समझ में आ जाता है कि ये अच्छी तरह से कोट हुआ है कि नहीं, उस हिसाब से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फूड कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे जो लुक है बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और ये मैदा, कॉर्नफ्लावर, जो चावल का आटा डाला है, ये गोभी के फूलों पे अच्छी तरह से कोट होना चाहिए, तो इससे जो मंचूरियन है बहुत ही अच्छा टेस्टी लगेगा। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे गोभी के फूल जो हैं अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। कोट करने के बाद में मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी। अगर आपको इस समय पे लग रहा है कि आपके गोभी के फूलों में अच्छे से कोटिंग नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, और एक फूल डाल के आप चेक कर सकते हैं कि गोभी के ऊपर अच्छे से कोटिंग हुई है या नहीं। तेल कैसा अच्छा तेज़ गर्म होने दे, उसके बाद ही आप यहाँ पर फूल को डालिएगा। फूल को डालने के बाद में इसमें 2 मिनट तक बिल्कुल भी इसमें चम्मच ना चलाइए। अगर आप तुरंत चम्मच चला देते हैं तो जो आपने कोटिंग किया है वो तेल में निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो गोभी के फूल हैं बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, और कलर भी बहुत ही बेस्ट आया है, और कोटिंग बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है इसमें। और इसको हमें अच्छे से 6 से 7 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम पर तलना है। गोभी के फूलों को हमें मीडियम फ्लेम पे रख के ही क्रिस्पी होने तक तलना है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो फूल हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तल चुके हैं। आपको देखने से ही लग रहा होगा एकदम क्रिस्पी दिख रहे हैं देखने से, और बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट बेच निकाल लिया है, सेकेंड बेच भी मैं निकाल लूँगी इसी तरह से। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप गोभी के फूलों को डालते हैं तो उस समय पर तेल जो है अच्छा गर्म होने दें, उसके बाद ही आप डालिएगा। तो मैंने यहाँ पे सभी फूलों को फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं, और मेरे यहाँ तो आधे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए यहाँ पे मैं क्रिस्पीनेस सुनाती हूँ आपको। आपने सुना फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी करारे हमारे गोभी के फूल फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इसकी क्रिस्पीनेस तो आपने देख ली, अंदर से भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं गोभी मंचूरियन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है, जिसे बारीक कट कर लिया है। लहसुन के करीब 3 से 4 लिया है, इसे भी बारीक कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे बारीक कट कर लिया है।
स्प्रिंग ऑनियन लिया है, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 2 से 3 लिया है, इसे पतले पीसों में कट कर लिया है। चलते हैं गैस के पास में। तेल जो है हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तेल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन और जो अदरक है इसे थोड़ा सा हमें अच्छी तरह से भून लेना है, एकदम इसे थोड़ा सा गोल्डन कलर होने तक तलना है। उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमें खूब ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर करना है, तब तक हम इसे भून लेंगे। इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, मैंने यहाँ पे जो काट के रखा हुआ था। इन दोनों को हमें खूब ज़्यादा नहीं भूनना है। इसके साथ में मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। अगर आपके पास है तो आप इसे डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो चलिए यहाँ पे सॉसेस ऐड कर देते हैं, और मैंने यहाँ पे रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून के करीब ऐड किया हुआ है। इसी के साथ इसमें डालेंगे सोया सॉस। डार्क सोया सॉस मैंने यहाँ पे लिया है, 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप अपने हिसाब से सॉसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टमाटो केचप डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। इसमें स्वीटनेस लाने के लिए मैंने यहाँ पे टमाटो केचप यूज़ किया है। अगर आपको कम स्वीटनेस पसंद है तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सॉसेस जो हैं आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी सॉस कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप इस समय पे पानी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो गोभी को जो मैंने यहाँ पे कोट किया था, उसका जो कटोरा में चिपका हुआ था, उसी का पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो सॉसेस को हम थोड़ा सा थिक होने देंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे जो गोभी फ्राई किया हुआ था उसको ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ड्राई गोभी मंचूरियन बना रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी रखना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे गोभी के फूलों को हम यहाँ डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ताकि गोभी के फूल जो हैं अभी तक आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हैं। और जब हम इसको सॉसेस में ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे, तो जो गोभी के फूल हैं एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो खाने में जो गोभी मंचूरियन है बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और बहुत ही अच्छे बने हैं फ्रेंड्स। आप मेरा बिलीव कीजिए, आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस समय पे आप चाहे तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब विनीगर ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे हमारा गोभी मंचूरियन बनके रेडी हो चुका है। चलिए इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, स्ट्रीट फूड से भी कहीं ज़्यादा बेटर है। आप इसे ट्राई करेंगे तो ज़रूर जान जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन की बटन है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा, ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।